हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी खास वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेमेडी लाई हूँ। क्या आप अपने गंदे पीले दांतों को किस तरीके से मोतियों की तरह चमका सकते हैं, वो भी इस आसान से घरेलू नुस्खों के साथ। फ्रेंड्स, ये जो नुस्खा है ये बहुत ही अमेजिंग नुस्खा है, जिसके एक ही बार के इस्तेमाल से आपके जो पीले से पीले दांत होंगे। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपके दांतों में दुखन की प्रॉब्लम है या फिर आपके दांतों में कीड़ा है तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, आजकल होता क्या है कि हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके दांत पीले ही रहते हैं, क्या वो कितना ही ब्रश कर लें लेकिन उनके दांत पीले के पीले ही रहते हैं, तो बस थोड़ा बहुत ही उन पर फर्क पड़ जाता है। तो आज आपको इस नुस्खे से, ये नुस्खा आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिलाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं। पर आपसे बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा ताकि जब भी मैं आपके लिए नई वीडियो लाऊंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस नुस्खे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो चीजें ली हैं। आपको ये बहुत ही ज्यादा मेन चीजें हैं जो ये लेनी है। तो पहला है अदरक, दूसरा है लेमन। तो फ्रेंड्स, आपको पहला करना है कि आपको अदरक लेना है। अदरक को आपको इसको इसका छिलका उतारकर आपको इसको ग्रीट करके इसको ले लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने अदरक को जो छील लिया है, अब हम इसको ग्रीट कर लेना है कद्दूकस की सहायता से। तो यहाँ पे आपको आधा चम्मच से भी कम आपको ग्रीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आधे चम्मच से भी कम अदरक ले लिया है। और फ्रेंड्स, अब दूसरी चीज यहाँ पे हम लेंगे वो है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे मैं आधी चम्मच से भी कम यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा ले रही हूँ। तो आपको भी इसकी इतनी ही मात्रा लेनी है, ज्यादा मात्रा आपको इसकी नहीं लेनी है। और अब यहाँ पे हम तीसरी चीज यहाँ पे डालेंगे, वो है लेमन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसमें आधा चम्मच लेमन जूस ऐड कर दूंगी। देखिए इस तरीके से। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें झाग बनने जो है वो शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अपने दांतों को अच्छे से कुल्ला कर लीजिए। उसके बाद आपको ब्रश लेना है। ब्रश की सहायता से आपको इस पेस्ट को आपको अपने ब्रश के ऊपर रखना है। और उसके बाद आपको एक मिनट तक, फ्रेंड्स बस एक मिनट तक आपको अपने दांतों पर इसको रब करना है अच्छे से। उसके बाद आपको कुल्ला कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बस एक मिनट तक करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि एक मिनट के अंदर ही आपके दांतों को ये सफेद मोतियों की तरह चमका देगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा, लेमन और अदरक का इस्तेमाल किया है। ये तीनों चीज आपके दांतों को मोतियों की तरह चमकाने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसको आपके दांतों को मोतियों की तरह चमका देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके दांत पीले हैं या आपके दांत या आपके मुंह से बदबू आती है तो आप इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करेगा और अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। आई होप आपको पसंद आएगी। तो प्लीज आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे बड़ी बात, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस जरूर करेगा ताकि जब भी आपकी नई वीडियो लाऊंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।